नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कल यानी कि थर्सडे के दिन हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल रहना चाहिए और क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। दोस्तों आज के लेवल के लिए डेफिनेटली लाइक बनता है यार, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों आज के लाइव एनालिसिस के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट ज्वाइन नहीं किए, सही में बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी स्पेशल लेवल मिलने वाला है और उसका एक्यूरेसी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 5-6 एक्सपायरी जा चुके हैं, हर दिन लेवल हर एक्सपायरी सही होता है। तो जाओ यार अभी कभी डिस्क्रिप्शन लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज भी जो लेवल दिया था दोस्तों आप देख सकते हैं, स्टूडेंट लोगों ने 1 लाख प्रॉफिट तक कमाया। निफ्टी का जो लेवल है 7000 प्रॉफिट, 8000 प्रॉफिट, 14000 प्रॉफिट, बहुत अच्छा खासा दिन रहा, 9000 प्रॉफिट। जाइए अभी कभी डिस्क्रिप्शन लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए कल के एक्सपायरी स्पेशल लेवल के लिए। इवन आज आप देख सकते दोस्तों सुबह सुबह में निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करके आप देखिए निफ्टी का लेवल आप जाके देखिए पूरे के पूरे अच्छे से चलाएं, क्लियर कट मूव दिया आप देख सकते हैं। सो द निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करके बता दिया था 9:14 टाइम देख सकते हैं, मार्केट ओपनिंग से पहले बोला था 37,132 ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो आप बाय कर सकते हैं बोल के। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑप्शन से एनालिसिस करके भी दिया, बोला 37,200 पे कॉल राइटर है, उसके ऊपर अगर निकलना चालू किया तो मार्केट अपसाइड मूवमेंट करेगा बोल के जो जो बोला था दोस्तों आप देख सकते हैं। मानता हूं पहला बार तो लेवल सस्टेन किया, नीचे आ गया, उसके बाद आप देख सकते हैं अगेन जैसे ही सस्टेन किया यहां पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला रूल के हिसाब से के और सीधे 200-300 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला। तो डेफिनेटली लाइक बनता है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं कल के दिन हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल एंड क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले बात तो हम निफ्टी का देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। देखिए दोस्तों अभी सिंपल सी बात है, कल बाय कब करना है, बाइंग के लिए दोस्तों सिंपल सी बात है, कल अगर निफ्टी फ्लैट या फिर थोड़ा गैप ओपनिंग हो जाता है और 17,489 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, चलिए राउंड फिगर अगर आप सेफ ले रहे हैं तो 17,500 के ऊपर अगर निकलना चालू किया, इसके ऊपर सस्टेन किया तो अगेन आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगेन 100 पॉइंट का, क्योंकि 17,500 लेवल अच्छा खासा कॉल राइटर बैठे हैं, कल एक्सपायरी है, अगर इसके ऊपर निकलना चालू करता है डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगा। सो इट मैंने आपको बता दिया ये लेवल क्यों दिया 17,489। आप देख सकते दोस्तों सिंपल हजारे चीज को अगर आप सिंपली देखेंगे यहां पे ना 17,489 बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस, मतलब बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस जोन है, क्लियर कट देख सकते हैं ये जो लेवल में बना के रखा हूं, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, आप देख सकते हैं यही जोन से ही मार्केट क्या किया था, बहुत अच्छा फॉल किया था, फिर घूम फिर के आप देख सकते हैं ऊपर गया है और एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास जुड़ा है। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं दोस्तों यहां पे एक रेजिस्टेंस है, कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग हो के इसके ऊपर निकलना चालू करता है तो क्लियर कट इसको मूव करने के लिए स्पेस मिल जाएगा 17,600 तक, क्योंकि यहां पे भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, 100 पॉइंट का आपके पास स्पेस है। बाइंग का आपको आपको क्लियर कट पता चल गया, सेल कब करना है, देखिए दोस्तों सेलिंग का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा कल के दिन, समझ लीजिए कल के दिन फ्लैट पर थोड़ा गैप ओपनिंग होके अगर समझ लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक मैं ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ, यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देके निफ्टी कहीं ना कहीं अपना अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट, क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है। तो बड़ा ही हम सिंपल सा व्यू रखते हैं दोस्तों, कल के दिन अगर समझ लीजिए फ्लैट ओपनिंग हुआ कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो सिंपल सी बात है यहाँ पे पहला सिग्नल मिल जाते हैं क्योंकि ट्रेंड वीक हो जाते हैं, उसके बाद दोस्तों इसे लोअर लो बना के अगर नीचे आते हैं और 17,431 लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे आपका सेलिंग होना चाहिए, यहाँ से आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है 17,431। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों 17,431 आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आज के दिन के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, क्लियर कट देख सकते हैं दो बार कहीं ना कहीं मार के रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर जाके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो सिंपल सी बात है फ्रेश सपोर्ट अब कहां पे बना 17,431, उसके नीचे अगर दोस्तों निकलना चालू करता है तो बहुत अच्छा खासा आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन बनना चाहिए आपको, क्लियर कट बोल रहा हूं, लोअर लो होप्स आप लोग समझ रहे हैं, क्लियर कट लोअर लो बनना चाहिए तभी जाके आप सेल कीजिएगा, डेफिनेटली मार्केट में गाइड कर लूंगा, आप ज्वाइन हो जाइए फ्री टेलीग्राम चैनल पे। और चलिए देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में हमारा क्या प्लानिंग है, देखिए बैंक निफ्टी में बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्लानिंग है, क्लियर कट आपका व्यू रहना चाहिए, सिंपल सी बात है, अगर फ्लैट पे थोड़ा गैप ओपनिंग होता है 37,376 के ऊपर निकलना चालू करता है टारगेट रख सकते हैं 37,502 तक, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं 37,502 जो है बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, आप क्लियर कट देख सकते हैं यहां पे कहीं ना कहीं प्राइस कहीं ना कहीं यहां से बाउंस बैक किया था, नीचे की तरफ रिजेक्ट किया था और सीधे नेक्स्ट गैप डाउन ओपनिंग हो गया था, तो दोस्तों ये जो एरिया है ना बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, आप खुद देख सकते हैं मार्केट आके एग्जैक्टली उसी के आसपास रुका है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों। और आज का ये 37,376 का लेवल क्यों मैंने दिया, क्योंकि आज का आप देख सकते हैं हाई जो है ये है और अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन भी है, तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग हो गया कि नहीं इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हैं, 200-300 पॉइंट का टारगेट रहेगा 37,500, और एक बार अगर 37,500 ब्रेक कर दिया तो सीधे और आपको 300-400-500 पॉइंट का क्लियर कट मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। होप्स आपको सब कुछ समझ में आ गया, रीजन
ऑप्शन के साथ आपको बता दिया। ठीक है, सेल कब करना है, देखिए दोस्तों सेलिंग का वही सेम निफ्टी का हम लॉजिक लगाते हैं। आपको क्या दिखाई, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन बैठ रहा है, ग्रीन कलर में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूं, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे बार बार आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे टच किया ऊपर गया, अगेन टच किया फिर ऊपर गया, अगेन आप देख सकते हैं यही पॉइंट निकल के आता है, और जो पॉइंट है 37,223 है। तो आप अगर दोस्तों कल अगर फ्लैट है फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होके हमारा प्लान रहना चाहिए। ये जो ट्रेंड जो फॉलो कर रहा है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और 37,223 के नीचे अगर आना चालू करता है तो पहला साइन क्या होगा, ओके ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो चुका है। सेकंड आप देख सकते हो आज के दिन के लिए क्या है, अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जोन था आप देख सकते हैं 37,232, क्योंकि प्राइस दो बार टच किया दो बार गिर गया, फाइनली आप देख सकते हो दोस्तों ब्रेक किया, इधर रिटेस्ट करने आया है, इधर रिटेस्ट भी किया, तो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट, दो साइन, पहला हमारा कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, सेकंड ये रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बना, और सपोर्ट भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सपोर्ट भी ब्रेक करना है, तो यहां से कहीं ना कहीं डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी है 37,223 ब्रेक करेगा तो। लेकिन दोस्तों क्लियर कट मूव आपको 37,000 ब्रेक करने के बाद आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, और 200-300 पॉइंट का 36,849 तक। आई होप आपको सबको समझ में आ गया, क्यों दोस्तों आगे आने वाले टाइम में 36,849 अच्छा खासा सपोर्ट जोन बनने वाला है, आप याद रखिएगा, क्योंकि यहां अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जोन था, ह्यूज रेजिस्टेंस जोन था, दो दो बार तीन तीन बार टेस्ट हो चुका था, फाइनली बैंक निफ्टी इसके ऊपर आज ओपनिंग हुआ और सस्टेन कर चुका है। तो आगे आने वाले टाइम में अगर ये जोन पे आता है आराम से आप बाइंग करना, और आपको बाइंग का तो अपसाइड का लेवल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर लीजिए, जल्दी से जाइए फ्री वाले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्लासी मार्केट, और अपने मम्मी पापा को बहुत सारे प्यार दीजिए, उनका केयर कीजिए, टेक केयर, बाय एंड सी यू।